हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अ देशन वीडियो ऑन वेल्यूशन गुडविल देखिए लास्ट टू लेक्चर वीडियोज़ में हम डिस्कस किया है व्हाट इज़ ऑल अबाउट गुडविल हमने गुडविल के बेसिकली दो मेथड हमने फॉलो अब तक हम जो डिस्कस किए हैं दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड गुड ऑन द बेस ऑफ सुपर प्रॉफिट आज हम तीन और मैथड जो फॉलो करेंगे ईजी हैं

सुपर प्रॉफिट में आपके निकालते हो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है देखिए सुपर प्रॉफिट मींस दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यही निकालते हो आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट देखिए सुपर प्रॉफिट का हमने कांसेप्ट देखा था जैसे मान लीजिए आज आप 2020 ये आज आज आप क्या कर रहे हो आप किसी और का बिजनेस जो है टेक ओवर कर रहे हो राइट right? एंड आप जो है आपने जब देखा कि आपको हर साल उसमें जो है दो लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो आप मेंटेन करोगे दैट मीन्स ये क्या गिवन है आपको टोटल एट लाख दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है राइट तो फिर जिसका आप बिजनेस परचेज कर रहे हो आप उसको ये आठ लाख रुपये आज दोगे दैट मीन्स इन द ईयर टू में दोगे यही बात हो रही है अब ये जो कंसेप्ट है दैट मीनस आपका दैट इज़ एन्यूटी मेथड ये एक्चुअली इसको गलत बताता है गलत है बस सीधी सी बात है ध्यान से देखिए ये दो लाख रुपए जो परचेज कर रहा है इसका बिजनेस वो दो लाख रुपए कब मिलेंगे वो एक साल बाद मिलेंगे ये कब मिलेंगे ये दो साल बाद मिलेंगे ये कब मिलेंगे तीन साल बाद मिलेंगे ये कब मिलेंगे चार साल बाद मिलेंगे राइट ये मीनस ये दो लाख रुपये कब है वो फ्यूचर में कम आएगा राइट और वो जिसका वो बिजनेस चाहिएगा वो कर रहा है

अगर मान लीजिए आपको एक वन रुपए की अगर आपको एक साल बाद विद इन्फ्लेशन अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कितनी आएगी भाई में टेन परसेंट ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी कि ये क्या आ गई फ्यूचर वैल्यू आ गई किसकी वन रुपए की यानी कि एक साल बाद वन रुपए की वैल्यू क्या होगी अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट जो वो 10 है वो टेन परसेंट है राइट तो फिर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू में क्या करेंगे हम सिंपल इसका क्या करें रिवर्स कर देंगे दैट

फैक्टर लगा रहे हो यानी कि कौन सा इंटरेस्ट राइट right. तो मान लीजिए हमने टेन परसेंट के हिसाब से हमने क्या कर करा लेने की कि एक साल बाद ये वैल्यू आएगी दो साल बाद ये आएगी तीन साल बाद ये आएगी और चार साल बाद ये आएगी जब आप इन सबको यानी कि इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके हाथ में वैल्यू क्या आएगी वो ये आएगी राइट right. यानी कि अग, एक यानी वन रुपये यानी कि चार होते वैसे देखिए तो वो तो आज की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी रहेगी थ्री पॉइंट वन सिक्स नाइन एट यानी कि वैसे तो चार साल बाद रुपए कितना तो चार, चार रुपये होंगे लेकिन जब आप इसको किसी को चार रुपये अगर आप आज ही दे रहे हो तो आपको तो तो देखिए इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे? आपने देखिए हर साल आपका दो लाख रुपए का आप क्या करेंटेन कर रहे थे तो दो लाख रूपये ये मल्टीप्लाई आपको बेसिकली उसको इतने रुपए देने चाहिए ना कि आठ लाख राइट सो दिस इज दैट इज द राइट सो देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ गुडविल मेथड आपको एवरेज कैपिटल गिवन है नॉर्मल टेन परसेंट प्रोफिट गिवन है आपको तीन साल का आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर दर टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन यानी कि ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है हैज़ बिन अराइड आफ्टर राइटिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस तो क्या करेंगे इसको एड बैक करेंगे और लिखे हुआ 2016 थाउजेंड सिक्सटीन में इंक्लूडेड है कितना नॉन इंकर इनकम तो उसको क्या करेंगे, करेंगे। हम माइनस करेंगे हमें निकालना गुड विल टू बी कैलकुलेट ऑन एन्यूटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी वन आपको गिवन है एज अ टेन परसेंट कितनी है आपको टू पॉइंट फोर एट सिक्स right? वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है सुपर प्रॉफिट पे और किसी मेथड भी नहीं लगता राइट right? तो यहां पर देखिए अब सिंपल देखिए आपको क्या करना है पहले क्या निकालना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एनुटी सुपर प्रॉफिट तो उसके लिए आपको क्या चाहिए एवरेज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट देखिए सिंपल है यहाँ पर देखिए सोल्यूशन आप. आपको क्या निकालना है भाई सब पहले निकालना है एफ एम बी ये फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का डिवाइड डिटा बेहतरी कर दिया

राइट right. तो पहले आपने देखा कि अगर मैं खुद अपना बिजनेस खुद खड़ा करता हूँ तो मुझे कैपिटल अगर मैं अस्सी लाख रुपये लगाता हूँ और मेरा मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो चल रहा है दस परसेंट तो यानी कि आप हर साल कितना कमाओगे आठ लाख रुपए कमाओगे लेकिन अगर आप किसी आप देखते हो कि नई मार्केट में ऑलरेडी लोग जो हैं वो दो लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं यानी कि आपसे जो है दो लाख रुपये ज़्यादा कमाएंगे तो क्यों ना आप जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस ही खरीद लो ठीक है तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट इतना है अब आपको एडिशनल जो है अगर आपको इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कमाना है जो कि इंटरेस्ट रेट चल ही रहा है इतना ही है इससे ज्यादा नहीं कमा सकते ठीक है तो फिर इस केस में क्या दैट मीन्स आपको एडिशनल कितने रिक्वायरमेंट कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो सिंपली बात है क्या करोगे भाई दो लाख डिवाइड बाई पॉइंट वन सो दैट मीन्स आपको कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बीस लाख रुपए की सिंपल आई रिपीट अगर आप अपना खुद का बिजनेस खुद ही स्टार्ट करते हो कैपिटल कितने लगाए आपने एट्टी लाख रुपीज इंडस्ट्री रेट कितना चल रहा है टेन परसेंट तो आपको हर साल आप कितना कमाओगे दैट इज लाख पर एनम लेकिन आपने देखा कि मार्केट में जो है लोग जो है जिनका बिजनेस चल रहा है वो आठ लाख नहीं बल्कि दस लाख रुपये कमा रहे हैं सो दैट मीन सुपर प्रॉफिट कितना दो लाख रुपए का तो अगर आप जो है दूसरों का बिजनेस खरीद लेते हो चला चला बिजनेस खरीद रहे हो

अब आप आपका एक और कंसेप्ट है ये मैं दोनों डिस्कस एक्स करूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए दैट मीन्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अब आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम भाई जो भी एन आर आर दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा प्लस कितना कैप आपने कैपिटल लगाई मान लीजिए गिवन है सपोज दस परसेंट आ गया मान लीजिए दस परसेंट है राइट तो अब ध्यान से देखिए <clears throat> मतलब क्या होता है? है अगर आप जो है अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे, राइट तो आप जो ध्यान से तो देखिए इसमें आप क्या कर रहे हो कैपिटलाइज कर रहे दैट मीन आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट में पड़ेगी ध्यान से देखिए आप रहे? तो यहां पर देखिए देखिए आपको क्या करना है बेसिकली आपको निकालना है वैल्यू ऑफ बिजनेस दैट मीन्स आपकी बिजनेस की वैल्यू क्या है आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है जैसा मान लीजिए आपकी जो बिजनेस की वैल्यू है सपोज अगर आपको अगर आपको अगर मान लीजिए आपने जो है मान लीजिए दस लाख रुपए लगा दिए तो दस लाख रुपए लगा दिए आपने ये सपोज सपोज आपको सॉरी मान लीजिए रूपये दस लाख रुपए कमाने हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है टेन परसेंट है माइनस करोगे इससे किससे नेटवर्थ से यानी कि जितना आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया ये वो अमाउंट है जो आपका एक्सपेक्टेड आपका प्रॉफिट है मुनाफा है और आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड कर दिया और फिर देखा कि आपने अभी तक तो कितने कैपिटल लगा दी ठीक है मान लीजिए कितना आ गया सपोज ये आ गया वन करोड़ ये तो आ गया आपका वन करोड़ मान लीजिए आपने अब तक तो लगाया कितना था सपोज सेवन सत्तर लाख रुपए राइट तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू यानी कि आपको एडिशनल कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी

देखिए यह फॉर्मूला बन गया नॉर्मल या फिर क्लोजिंग कैपिटल ये आपका फॉर्मूला बन चुका है राइट right? सॉरी ये आपका फॉर्मूला बन चुका है लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने वर्ड का लिखा है, है students, अगर आप निकाल रहे हो ऑन नॉर्मल प्रॉफिट तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना

जब आप सुपर प्रॉफिट निकालते हो तो तब आप कैसे निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैपिटल इम्प्लॉइड आपको याद है सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे भाई हम क्या करते थे भाई या तो हम आ, एस साइड फॉलो करते थे या तो साइड फॉलो करते थे तो आपके पास क्या आता था एवरेज कैपिटल इम्प्लॉड आता था राइट right? बट जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे तो फिर आप निकालते थे एफ एम निकालते थे तो एफ एम में जो आपका एवरेज आता था वो आपका एवरेज कहते प्रॉफिट आता था राइट लेकिन वह क्या था आपका क्लोजिंग कैपिटल के इम्प्लोइ के हिसाब से निकाल देते दे। राइट आपको याद है ना हम कहते हैं एवरेज एवरेजिटल इम्प्ल कैसे भाई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू तो उसके हिसाब से निकालते थे ना तो राइट तो ये निकलता आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉड बस दोनों में ये डिफरेंस है राइट चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन

तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई बारह परसेंट हमें लिखे सर एनआरआर और प्रॉफिट आपको गिवन है कितना तीन लाख रुपये का तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया छत्तीस हज़ार सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड सुपर प्रॉफिट कितना आ गया सिक्सटी एट हंड्रेड और उसको हमने क्या करते कैपिटलाइज कर दिया सुपर प्रॉफिट डिविड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका आंसर आ गया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन राइट नंबर वी टू क्वेश्चन टेन कैपिटल गिवन है आपको दैट इजी फोर लैक फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट गिवन आपको फिफ्टी थाउजेंड एंड दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन आपको फिफ्टीन परसेंट अब बस हमें लिख दे गुडविल कौन से मेथड से पता ही नहीं ठीक है तो अब इसमें क्या करेंगे देखिए यहाँ से देखिए इन्फॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है आपको एक तो गिवन है एफ एम बी दैट इज फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड आपको कैपिटल गिवन है राइट देखिए अगर आप सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका अगर बात करें एवरेज प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं ठीक है क्योंकि इसमें आपको जो है नंबर ऑफ ईयर पच्चीस भी गिवन होता तो वो गिवन नहीं आपको सुपर प्रॉफिट में आपको क्या गिवन होता है क्या 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 चाहिए सुपर प्रॉफिट कैसे हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अब उसके अकॉर्डिंग भी नहीं निकाल सकते आप तो फिर आपका कैपिटलाइज के बेसिस पे देखो क्या सुपर प्रॉफिट या फिर उसके बेसिस अच्छा ये सब आपका हो गया ना

प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन गिवन रुपी फॉर फाइव ईर्स दैट इज थ्री पॉइंट सेवन एट दोफिट इंक्लूडिंग नॉन इंक्रिंग प्रॉफिट ऑन दी ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड और आपको गुड भी निकालना है ऑन दीज मेथड्स राइट तो सोल्यूशन देखें यहाँ पर पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया नॉन इंक्रिंग निकाल लिया आपके पास एफ एम पी कितना आ गया टू लैक्स सेवनटीन थाउजेंड राइट एफ एम पी आ गया अब यहाँ पर देखिए आपका रे, रेट ऑफ आपको टेन परसेंट आपको क्लोजिंग कैपिटल कितने कितनी बारह लाख तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया दिस वन राइट तो बस अब आपका देखो आपका क्या नाम है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है एफ एम बी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास क्या आ गया सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट से यहाँ पर अगर आप निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से तो आप कितना मेंटेन करें सुपर प्रॉफिट नाइन्टी सेवन तो थाउजेंड से इयर्स तो आपके पास गुडविल आगे दिस वन अमाउंट इसको आप एन करोगे तो आपके थ्री पॉइंट यानी कि बेसिकली इसी का काफ सुपर प्रॉफिट कैसे गानी ये फॉर्मिल आपके पास आ गया सिंपल आ, आ गया आपका नाइन लाख सेवेंटी थाउजेंडा ऑन बेसिस ऑफ एफ एम पी सो यह थाउजेंड बाई टेन परसेंट माइनस क्लोजिंग लैक तो ये आपके पास कितना right. होगा कि सर आपने यहाँ पर जो है आ, इसको क्लोजिंग एवरेज कैपिटल कुछ गिवन भी नहीं है आपको और कुछ गिवन भी नहीं है आप यहाँ से निकाल भी नहीं सकते ना ये एवरेज कैपिटल पर कैसे निकालोगे वो तो पॉसिबल नहीं है एवरेज कैपिटल कैसे निकालते हैं भाई या तो नेट एसेट के पे या वे वे तो गिवन भी नहीं है तो जब आपको एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप इसको मांगे हो कि ये आप दोनों मेथड्स को इसको फॉलो कर सकते हो राइट नाउ ममी टू क्वेश्चन मटवेल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू यू अटेन दैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए लिमिटेड विच इज कैरिंग बिजनेस एज रिटेल ट्रेलर अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड तो सुपर प्रॉफिट के लिए बेसिस तो क्या निकालना होता है हमें एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड तो देखिए क्या क्या कंसिडर करेंगे हम हमें ये तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते हम करंट लाइविटीज गिवन भी नहीं है

ये ये सारे जो प्रॉफिट आए राइट right? ये कौन सा प्रॉफिट गिवन है ध्यान से देखिए लिखा हुआ है फॉर द लास्ट फाइव ईयर्स आफ्टर टैक्स राइट याद रखना स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है कंपनी के पास उसके बाद जो है कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट या डिविडेंड जो है वो पे करती है राइट right? तो यार ये जो प्रॉफिट गिवेन आपको ये कौन सा गिवेन आपको बिफोर डिविडेंड और हमें वही सी की ही रिक्वायरमेंट होती है आपको पता है कि जब हम कैपिटल निकालते हैं तो डिविडेंड वाला जो होता 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 है है वो वो किसका किसका पार्ट इक्विटी का या फिर तो right? so कुछ नहीं करना लिखा दी मार्केट प्राइस ऑफ दूलिंग एक्ट वन टी फाइव एट दी इंडेड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मार्केट प्राइस कितना चल रहा है चल रहा है और कंपनी डिविडेंड कितना बांट रही है फिफ्टीन परसेंट आपको याद होगा लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने एक कॉन्सर्ट पढ़ा दैट इज एन आर आर आपको पता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली बीज होते हैं ऑन इंडस्ट्री बेस यानी कि कोई भी एक इंडस्ट्री होगी तो वो किस रेट से जो है कमा रही है चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो चाहे वो रेडीमेड की हो चाहे क्लोदिंग की हो ठीक है या फिर फिशिंग की हो फार्मेसी की हो कुछ भी हो तो वो जो है वो कितना कमा रही है नो no, एवरेज कितना कमा रहे कितना रेट चल रहा है राइट तो अगर आपको मान लीजिए नो में रेडोपिटन कैसे निकालते हैं भाई अगर मान लीजिए कैपिटल इम्प्रॉइड गिवन है मल्टीप्लाई करते, uh, है, करते हैं या प्रॉफिट गिवन है डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आएगा नो ऑफ रिटर्न राइट बट अगर आपके पास मान लीजिए इन्फॉर्मेशन बेसिंग है तो आपको इसके बेस में निकालेगा डिविडेंड के हिसाब से राइट तो देखिए डिविडेंड कितना डिस्क्रूट करा है फिफ्टीन परसेंट तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई फिफ्टीन है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिवाइड बाय वन टी

सुपर प्रॉफिट सॉल्यूशन देखिए क्लास अब पहले तो हम कैपिटल इनपुट निकालेंगे देखिए कैपिटल निकालेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एसेट मैथ तो क्या लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी दो लाख और दो लाख बीस हज़ार हमने ले लिया राइट इसके बाद आपको क्या कहें देखिए इन्वेंट्रीज तीन लाख और ट्रेड रिजिबल एक लाख अस्सी हज़ार ये ले लिया टोटल एसेट्स वाले कितना की नाइन लाख अब हम लाइब्रेरी साइड आएंगे लाइब्रेरी में क्या कहेंगे आपको बैंक ऑफ ड्राफ्ट ट्रेड पेबल राइट अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, को बैक किया है। को हमने बैक करा? हमें लेते हैं हम एवरेज कैपिटल बेड आप जब निकालते हो आप दैट मीनस हाफ अ प्रॉफिट ये तो आपने हर साल का प्रॉफिट कमाया ध्यान आप से आपको लास्ट ईयर का ये इसी का हाफ लिया मैंने और कुछ नहीं किया मैंने तो कितना लेकिन यहाँ ध्यान से मैंने आपको ये सुनना है

लाइब्रेरी स्टार्ट करता तो में था उसमें लाइब्रेड कर दिया और कुछ नहीं है राइट तो बस आपका इसको ऐड करोगे और पैंसठ हज़ार नहीं किन परसेंट हमने माइस कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू आती राइट तो एवरेज कैपिटल कितना का दैट मीनस फाइव लैक्स सेवेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब देखिए यहाँ पर देखिए नो मेरे यहाँ पर इसके रेट के साथ कितना का बारह परसेंट जो भी हमने कंसर्ट पढ़ा था सॉरी कितना आ गया ट्वेल्व परसेंट और नॉन प्रॉफिट आर निकल आपके इसके हिसाब से सा आ गया एफ एम बी आ गया आपका दिस वन ये आपको समझने की जरूरत ही नहीं है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू कितना आ गया दिस वन इसी का टेन परसेंट हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने डिवाइड कर दिया इसके टैक्स रेट से सेविंग इतनी भी है एक लाख चालीस हज़ार की ऐड कर दिया रेमिश इतना पे करना पड़ रहा है फोर्टी परसेंट टैक्स निकाल निकाल दिया क्योंकि वो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टैक्स रेट कितना हो गया चालीस परसेंट है तो एफ एम बी कितना आ गया दैट इज लाख ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स सीवन बस अब सुपर प्रॉफिट हैं एवरेज प्रॉफिट मायरस नॉर्मल प्रॉफिट तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया इसको मिटले कर दिया हमने कि, कि कितने ईयरस को मेंटेन रखना है तो आपके पास गुडविल कितना आएगी वन लाख फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री हंडी फाइव राइट सो क्लास दिस इज चैप्टर दैट इज ए ऑफ गुडविल एंड देखिए इसके आप आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो राइट right, मैंने इससे जितना देखो बेसिक क्लियर हो सकता था मैंने कर दिया सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू